तो आज है 13 सितंबर 2021, सोमवार, दुबड़ी साथ है। तो दुबड़ी सप्तमी की कहानी सुनेंगे, वो भी मारवाड़ी में, राजस्थान में। तो व्रत कथा सुनेंगे। व्रत कथा, एक साहूकार के साथ बेटा है। जब भी कोई बेटा को ब्याह कराए तो बेटो मर जावे। अब एक एक कर 6 बेटा तो मर गया, अब छोटा बेटा को ब्याह की बारी आई तो बात पक्की होगी। तो बुआ है जो शादी में शामिल होबा जा रही, तो रात समय एक बुढ़िया मिली। अब बुढ़िया बुआ से पूछे कि तू कटे जा रही है, तो बुआ बोली कि मैं अब मार भतीजे के ब्याह में जा रही हूँ। बर काय करूँ, 6 भतीजा तो मर गया हमारा, अब 7 हुआ है, अब देखूँ। अब बुढ़िया बोली तो विवाह ब्याह कर रहे हैं तो घरों निकल तो रहे लेकिन जाता ही मर जाए। अगर बच भी गयो तो रासम पेड़ के नीचे दब्र मर जाए। अब बैठा भी बच गयो तो सांस रह जाए, तो दरवाजो बिको पर गिर जाए तो दरवाजो गिर बो मर जाए। अब बैठा से भी बच गयो तो भमरा पड़े जटे सांप डस दे जिससे मर जाए। अब बुआ बोली कि दुबड़ी माता कोई उपाय हो तो बताओ। तो बुढ़िया बोली कि जब भी ब्याह करो तो छोरा को ब्याह करो तो पाछल दरवाजे से निकाल लो, पेड़ नीचे से मत बैठ बा दीजो। सासरे में जावे तो पीछे का दरवाजे से निकाल जो, भावर पड़े तो कच्चा करवा में कच्चो दूध और गरम लकड़ी लेर बैठ जा जो। अब जब भावरा पड़े तो डस बने, सांप आवे तो सांप का आगे करवो रख दीजो। जब सांप दूध पीवे तो सांप का गला पर गरम लकड़ी से दाग दीजा। अब बाद में सापिन आवे तो सापिन ने बोल जो कि मारा 6 भतीजा जाने जीवित कर जदी छोड़ूंगी। तो यह अब और यह बात कोई ना बता जो मत, नहीं तो जो सुने वही मर जाए, तो लड़को भी मर जाए। तो बुआ है बुढ़िया ने बोले कि थे जान के वो जान कर रहा। तो जब नागिन आई तो बुआ का 6 भतीजा ने मांगे कि मारा 6 भतीजा जीवित कर जदी मैं छोड़ूंगी। तो नागिन आई तो सारा 6 भतीजा ने जीवित कर दिया। तो कहानी अधूरी है तो पूरी कर जो, पूरी तो ही को मान रख जो। कहानी सुन बाला ने हो रू करा दे बाला, सब मनोकामना पूर्ण कर जो। जय दुबड़ी माता हरी जय। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्ण।